हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन अंडर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो चुका था। वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया था। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एसएससी जेई या स्टेट जेई एग्ज़ाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और वो सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल, दैट मीन्स जब हम लोग बार को सीरीज में ऐड करेंगे या पैरेलल में ऐड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, हम आखिर सीरीज में क्यों ऐड करते हैं, पैरेलल में क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए माय डियर, जब आप बार को सीरीज में ऐड करते हैं तो इसका क्या मतलब है, समझिए अच्छे से। सपोज ये आपका फर्स्ट बार है, इसमें आपने दूसरे बार को ऐड कर दिया, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। सीरीज में आपने इसको लगा दिया, फिर इसमें तीसरा बार को लगा दिया, तो देखिए तीन बार हो गया और तीनों सीरीज में हो गया। तो जब तीन बार सीरीज में लगेगा तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। जब सिंगल बार था तो अगर आप यहाँ पे लोड लगाएंगे तो इस लोड के कारण अगर ये यहाँ पर सिंगल बार प्रेजेंट होता तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन मिलता। फिर दूसरा बार जैसे ही लगाए तो इसका भी डिफॉर्मेशन होगा और इसका भी डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। फिर थर्ड बार हमने लगाया तो डिफॉर्मेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज़ में ऐड करने का जो हमारा मकसद है वो है टू इंक्रीज द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, टू इंक्रीज द डिफॉर्मेशन। ओके, अब देखिए बार को जब पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। देखिए माय डियर, सपोज एक ये बार है, एक बार है और यहां पर लोड लग रहा है पी, यहां पर लोड लग रहा है पी, तो इस लोड को ये बार रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा माय डियर, मतलब इस लोड को ये कैरी कर रहा है, कैरी कर रहा है। लेकिन अगर इस लोड को हम बढ़ाना चाहें तो फिर ये उसको कैरी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यदि हमें कहीं पर ज़्यादा लोड कैरिंग करना हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेंगे माय डियर, ध्यान से देखिएगा, एक और बार यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर लोड लगाएंगे। ओके, तो इस लोड को अब ये दोनों मिलके कैरी करेगा, इस लोड को अब ये दोनों मिलकर रजिस्ट करेगा, तो अब आप इस लोड को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, ये ज़्यादा लोड कैरी करेगा। सिंगल था तो बेचारा कम लोड कैरी करेगा, लेकिन जैसे ही हमने एक और बार यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो अब क्या होगा, अब इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोड को कैरी करेगा। तो पैरेलल में जोड़ने का, पैरेलल में कनेक्ट करने का हमारा मकसद क्या है, टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखिए माय डियर, अगर सीरीज कनेक्शन की बात करें, सीरीज कनेक्शन के बारे का बात करें, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, यहां पर टोटल डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो सभी बार के डिफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे। टोटल डिफॉर्मेशन अगर यहां पूछा गया तो आप कैसे निकालेंगे, तीनों बार के डिफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, डिफॉर्मेशंस आर क्यूमुलेटिव, डिफॉर्मेशंस आर क्यूमुलेटिव, किसके लिए, सीरीज कनेक्शन के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, डिफॉर्मेशंस आर क्यूमुलेटिव,
आर क्यूम्यूलेटिव डिफॉर्मेशंस आर क्यूम्यूलेटिव। लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करें, अगर पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस लोड के कारण दोनों ही पैरेलल कनेक्टेड बार में डिफॉर्मेशन सेम होगा, सेम डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन दोनों का डिफॉर्मेशन क्या होगा माय डियर, सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डिफॉर्मेशंस आर इक्वल, डिफॉर्मेशंस आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है यहाँ डिफॉर्मेशन इक्वल होगा लेकिन लोड्स जो होगा, लोड लोड क्यूमुलेटिव होगा। ये पी आपका नेट लोड लग रहा है इस दोनों पर, तो आप खुद सोच के देखिए, इस लोड को दोनों मिलकर रेजिस्ट कर रहा है, दोनों मिलकर कैरी कर रहा है, अकेला ये तो कैरी नहीं कर रहा है। अगर ये पी का वैल्यू मान लीजिए 200 किलो न्यूटन है, तो इस 200 किलो न्यूटन को ये दोनों मिलकर रजिस्ट कर रहा है। सपोज ये 125 किलो न्यूटन को रजिस्ट कर रहा है, बाकी का 75 किलो न्यूटन को सपोज ये रजिस्ट कर रहा है। बस समझ में आ रहा? तो जो भी लोड लगेगा उस वो दोनों मिलकर रजिस्ट करेगा। तो सपोज ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, यानी P1 इज इक्वल टू 125 kN एंड P2 इज इक्वल टू 75 kN। अब ये P1 P2 क्या है, तो P1 P2 है रेजिस्टिंग लोड, रेजिस्टिंग लोड ऑफर्ड बाय द टू पैरेलल बार्स। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे लोड्स आर क्यूमुलेटिव, लोड्स आर क्यूमुलेटिव, दैट इज पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जब बार पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वहां पर लोड क्यूमुलेटिव होता है, जब सीरीज में ऐड होगा तो वहां पर डिफॉर्मेशन क्यूमुलेटिव होता है। पैरेलल में कनेक्ट होगा तो डिफॉर्मेशन बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। पैरेलल में हम लोग बार को कनेक्ट करते हैं ताकि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, सीरीज में हम ऐड करते हैं टू इंक्रीज द डिफॉर्मेशन, टू इंक्रीज द डिफॉर्मेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनरली पूछता भी है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आखिर हम लोग बार को सीरीज और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्या रीज़न है। ओके चलिए माय डियर, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, बार्स इन सीरीज कनेक्शन। ओके जब सीरीज कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं बार्स इन सीरीज कनेक्शन। ओके चलिए देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बार्स इन सीरीज कनेक्शन। इसी में सबसे पहले हम लोग केस वन देखेंगे, बार्स इन सीरीज कनेक्शन में सबसे पहले हम लोग केस वन देखेंगे। तीन चार केस यहाँ पर देखेंगे, तीन चार टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल कनेक्शन भी शुरू करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं। सपोज माय डियर, सपोज ओके, ये आपका फर्स्ट बार है, दिस इज योर फर्स्ट बार। फिर देखिए माय डियर, फिर यहाँ पे इस बार के साथ एक दूसरा बार कनेक्ट कर दिया गया है,
एक दूसरा बार कनेक्ट कर दिया गया है और फिर इसके साथ सपोज एक तीसरा बार कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो तीन बार यहां पर ऐड कर दिया गया है और इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। और यहां पर एक लोड लग रहा है सपोज पी, यही है आपका बार्स इन सीरीज कनेक्शन, बट ये केस वन है। ओके, दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। इसका लेंथ एल वन, इसका लेंथ एल टू, इसका लेंथ एल थ्री, इसका डायमीटर डी वन, डायमीटर डी टू, डायमीटर डी थ्री। दिस इज योर फर्स्ट बार, दिस इज योर सेकेंड बार एंड दिस इज योर थर्ड बार। और इस बार का सपोज यंग्स मॉडुलस ई वन है, इस बार का यंग्स मॉडुलस ई टू है एंड इस बार का यंग्स मॉडुलस ई थ्री है। इतना चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है, इतना चीज़ हमें दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बाबू ठीक है, ये बताओ कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस किस बार में इंड्यूस होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फर्स्ट बार में होगा या सेकेंड बार में या थर्ड बार में, किस बार में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होगा। दूसरा क्वेश्चन माय डियर, सेकेंड क्वेश्चन, इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना होगा, टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, जब भी हम डिफॉर्मेशन देखते हैं वो फ्री एंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इस पॉइंट का तो डिफॉर्मेशन आपसे पूछ नहीं सकता है क्योंकि ये एंड फिक्स है, तो आपसे फ्री एंड का पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ का डिफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ का डिफॉर्मेशन जब पूछेगा इसका मतलब क्या है कि वो आपसे टोटल डिफॉर्मेशन पूछ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट देखिए सबसे लास्ट में लगा हुआ है। जब आप इसको पुल करेंगे तो ये यहाँ डिफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ भी तो डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ भी डिफॉर्मेशन होगा, तो ओवरऑल जितना भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उतना ये डी पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन पूछने का मतलब है कि टोटल डिफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि आपको निकालना पड़ेगा डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, दो चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, चलिए माय डियर, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, दो मेथड से। फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड, ALD मेथड, एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड। एंड दूसरा जो मेथड है आपका उसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन। तो सबसे आसान आपका मेथड ऑफ सेक्शन है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी आप ALD मेथड सीखिए, ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन तो आगे वही चलेगा, वही आपको पढ़ना भी है, उसी से क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। लेकिन दूसरा मेथड भी आप सीख लीजिए, एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड भी सीख लीजिए, ठीक है। आइए माय डियर ध्यान देंगे, तो जब यहाँ पर लोड पी लग रहा है तो इस पॉइंट पर उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन पी के ही बराबर होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड, ALD मेथड। अब आप खुद सोचिए, इस पॉइंट पे लोड पी लगाया जा रहा है तो क्या ये लोड इसी बार पर एक्ट करेगा? नहीं माय डियर, ये लोड इस बार में भी एक्ट करेगा, इस बार पर भी काम करेगा और ये लोड इस बार पर भी काम करेगा। एंड चूंकि यहाँ से यहाँ तक और कोई भी लोड काम नहीं कर रहा है, बस ये सिंगल लोड है, तो यही लोड तीनों बार में काम करेगा। मतलब फर्स्ट में भी पी काम करेगा, सेकेंड में भी पी काम करेगा और थर्ड में भी पी काम करेगा। तो आप क्या बोलेंगे, यानी P1 का मतलब क्या है, लोड एक्टिंग इन द फर्स्ट मेंबर P होगा। P2 क्या होगा माय डियर, लोड एक्टिंग इन द सेकेंड मेंबर, वो भी आपका P होगा। एंड P3 क्या होगा, लोड एक्टिंग इन द थर्ड मेंबर, ये भी आपका P होगा। आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेस होता क्या है, लोड बाय एरिया, एरिया तो हमें पता है, इसका सबसे कम एरिया है, लेकिन लोड अभी हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमें हर एक पार्ट का, हर एक बार का
लोड निकालना होगा। हर एक बार में कितना लोड काम कर रहा है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। चाहे आप एक्सेल लोडिंग डायग्राम मेथड से यूज़ कीजिए या मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ कीजिए, कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, तो हर एक मेथड में माय डियर फ्रेंड आपको बार में, हर एक इंडिविजुअल बार में कितना लोड काम कर रहा है वही आपको निकालना होगा। यानी यही आपको निकालना है, यही आपका मेन काम है। एक और मेथड होता है फ्री बॉडी डायग्राम मेथड। उसमें आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बार को यहाँ पर बनाएंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है, सेमेस्टर में आपने वही पढ़ा होगा फ्री बॉडी डायग्राम मेथड, बट वो बच्चा वाला मेथड है, ठीक है। उससे आप अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ा दिक्कत होगा आपको। तो सबसे आसान मेथड ऑफ सेक्शन है, बताएंगे आपको। तो देखिए, हमें तीनों बार का लोड मालूम चल गया है, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि किस बार में मैक्सिमम लोड होगा। आइए देखिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सियल लोडिंग डायग्राम बना लीजिए, एक्सियल लोडिंग डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेहतर होता कि इसके नीचे हम लाइन खींच के बनाते जैसे बनाते थे डायग्राम, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, P1, P2, P3, हर जगह P काम कर रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप पहले ये बनाएंगे उसके बाद ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए माय डियर, डी पॉइंट पर कितना लोड काम कर रहा है, डी पॉइंट पर P लोड काम कर रहा है, ए पॉइंट पर भी कितना लोड काम कर रहा है, P काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में कहीं पर भी कोई लोड काम नहीं कर रहा है, तो यही फोर्स हर जगह काम करेगा, तो हर पॉइंट पे लोड P ही काम करेगा माय डियर। तो अब आप इसको मिला दीजिए, ओके। यहाँ पर भी देखिए P काम कर रहा है, यहाँ पर भी P काम कर रहा है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ योर थर्ड पार्ट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऊपर हम क्यों बनाए, इस लाइन के नीचे क्यों नहीं बनाए। माय डियर, ये टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो लाइन के ऊपर बनाएंगे। अगर यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स होता तो हम लाइन के नीचे बनाते। तो यही है आपका ALD, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। और इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से ये वैल्यू लिख सकते हैं कि P1, P2, P3 कितना है, P के बराबर है। तो हमारा लोड निकल गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखना कि स्ट्रेस किस में मैक्सिमम है। स्ट्रेस बराबर आप जानते हैं P/A होगा। क्यों P/A का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्सियल लोड है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सा होगा, एक्सियल स्ट्रेस, ओके। सो एरिया क्या होगा माय डियर, π/4d². सो 4p डिवाइड बाय π d² ये आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अब आपको बताना है कि किस बार में स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, किस बार में स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो सोचिए, एक चीज़ देखिए, तीनों बार में P सेम है। ये P स्ट्रेस दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, P और डायमीटर पे। P तो तीनों बार में सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए, वो देखकर हम नहीं बता पाएंगे किस में स्ट्रेस मैक्सिमम है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² है, मतलब जिसका डायमीटर कम होगा माय डियर उसमें स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। P पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तीनों में P सेम है ना, तो P पर अब यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। सो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/d², P सेम है, तो इसी को देखकर हम क्या बोल देंगे। तो देखिए, सबसे कम डायमीटर किसका है, थर्ड बार का है, तो थर्ड बार में स्ट्रेस मैक्सिमम काम करेगा। इसमें मॉडरेट स्ट्रेस, इसमें मिनिमम स्ट्रेस, क्योंकि इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है। जब डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस मिनिमम होगा। इसमें सबसे कम स्ट्रेस काम करेगा, इस बार में मैक्सिमम स्ट्रेस काम करेगा, और इस बार में मॉडरेट स्ट्रेस काम करेगा।
तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, सो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा थ्री। सिग्मा मैक्स कहां काम करेगा, थर्ड में, सो सिग्मा थ्री। इसको कैसे लिखेंगे आप, फोर पी थ्री डिवाइड बाय पाई डी थ्री स्क्वायर। पी थ्री पी के बराबर है, सो फोर पी डिवाइड बाय पाई डी थ्री स्क्वायर। मिनिमम स्ट्रेस किस में काम कर रहा है, फर्स्ट में, वो भी निकाल लीजिए। मिनिमम स्ट्रेस वन में काम करेगा, तो कैसे लिखेंगे, फोर पी वन डिवाइड बाय पाई डी वन स्क्वायर। पी वन पी के बराबर है, डिवाइड बाय पाई डी वन स्क्वायर। तो देखिए हमने मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकाल लिया। अब अगर दोनों का रेशियो पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस, तो कैसे करेंगे आप, दोनों को डिवाइड कीजिए, लिखिए फोर पी, फोर पी कैंसल आउट, ये ऊपर जाएगा और ये टर्म नीचे आएगा, पाई पाई भी कट जाएगा। सो डी वन स्क्वायर डिवाइड बाय डी थ्री स्क्वायर, सो डी वन बाय डी थ्री होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए, सो सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिन, डी वन, डी वन क्या है, डी वन है लार्जर डायमीटर, डी थ्री क्या है, स्मॉलर डायमीटर। मतलब क्या हो गया, ये लार्जर डायमीटर डिवाइड बाय स्मॉलर डायमीटर का होल स्क्वायर, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का यदि आपसे रेशियो पूछा जा रहा है तो आप एक लाइन में क्या कर देंगे, आप बस एक लाइन में लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर का रेशियो निकाल दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, वही मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया माय डियर, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो ये हमने निकाल लिया, अब हम डिफॉर्मेशन निकालेंगे, अब हम डिफॉर्मेशन निकालते हैं, तो प्लीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब आइए पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पहले एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे सपोज ये कोई बार है और इस बार पे पी लोड काम कर रहा है, तो पी क्या है, एक्सियल लोड, पी क्या है यहाँ पर, एक्सियल लोड। तो यहाँ पर स्ट्रेस भी क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन को भी आप क्या कहेंगे, एक्सियल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को भी क्या कहेंगे आप, एक्सियल डिफॉर्मेशन। सपोज ये इतना डिफॉर्म कर गया, दिस इज योर डेल्टा, बट कौन सा डेल्टा, डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या है, एक्सियल डिफॉर्मेशन, क्योंकि लोड एक्सियल है ना जी। तो इस पी के कारण हमारा स्ट्रेस जो होता है वो एक्सियल स्ट्रेस होता है, और वो आप कैसे निकालते हैं, पी बाय ए, ये क्या है, एक्सियल स्ट्रेस। उसी तरीके से माय डियर डिफॉर्मेशन क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन। आइए एक्सियल डिफॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो देखते हैं। आप जानते हैं, आप जानते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है, सो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, सो सिग्मा इज इक्वल टू ई इनटू, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, पी बाय ए। स्ट्रेन, यहाँ पर स्ट्रेन क्या होगा, सपोज ये लेंथ एल है, तो यहाँ पर स्ट्रेन क्या होगा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में कितना चेंज हुआ है, लेंथ में यही चेंज हुआ है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, सो डेल्टा ए बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एल बाय ए ई। यही फॉर्मूला है माय डियर एक्सियल डिफॉर्मेशन का, आपने सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा एक्सियल डिफॉर्मेशन। बात समझ में आ गया,
यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप अपने कॉपी के राइट साइड में घेर कर लिख देंगे, ठीक है। इसको आपको घेर के लिख देना है राइट साइड में, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं ना, तो अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, आइए। सो हमें क्या निकालना है? नाउ हमें निकालना है टोटल डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा डी ए। इसको आप रीड कैसे करेंगे? इसको आप रीड करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, अब यही हमें निकालना है। तो सोचिए डेल्टा डी ए इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन इसके रिस्पेक्ट में जब आप निकाल रहे हैं तो उसमें तीनों का डिफॉर्मेशन आएगा। ये भी थोड़ा डिफॉर्म किया, ये भी थोड़ा डिफॉर्म करेगा, ये भी थोड़ा डिफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल जो डिफॉर्मेशन हमें मिलेगा, ये डिफॉर्मेशन तो तीनों का सम होगा ना डिफॉर्मेशन का। तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा डी सी प्लस डेल्टा सी बी प्लस डेल्टा बी ए। डेल्टा डी सी प्लस डेल्टा सी बी प्लस डेल्टा बी ए, मतलब पॉइंट डी का डिफॉर्मेशन सी के रिस्पेक्ट में जो भी होगा, फिर पॉइंट सी का डिफॉर्मेशन बी के रिस्पेक्ट में, और फिर पॉइंट बी का डिफॉर्मेशन ए के रिस्पेक्ट में, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, नाउ डेल्टा डी सी, डेल्टा का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, पी एल बाय ए ई, किसके लिए? डी सी के लिए। डी सी कौन सा मेंबर है? डी सी आपका कौन सा बार है? थर्ड बार है। तो एक ही बार लिख दे रहा हूँ डी सी कौन सा है? थर्ड। आइए, सो डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा सी बी कौन सा है? सेकेंड, और बी ए कौन सा है? फर्स्ट। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? पी एल बाई ए ई। तो डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा? पी थ्री एल थ्री डिवाइड बाय ए थ्री ई थ्री प्लस ओके। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर माय डियर। यहां पर क्या एरिया बराबर है? नहीं, एरिया बराबर नहीं होगा, क्योंकि सभी का डायमीटर अलग अलग है, तो एरिया बराबर नहीं होगा। क्या यंग्स मॉडुलस बराबर है तीनों का? नहीं, तीनों का अलग अलग है। एल, क्या एल बराबर है? नहीं माय डियर, एल भी बराबर नहीं है। क्या पी बराबर है? हाँ, पी बराबर है, पी वन पी टू पी थ्री बराबर है। तो इस पी को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे आप? पी बाहर आ गया तो L3 थ्री डिवाइड बाय ए थ्री ई थ्री प्लस एल टू डिवाइड बाय ए टू ई टू प्लस एल वन डिवाइड बाय ए वन ई वन। यही हो गया आपका टोटल डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। आप समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो ये था आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड। ये था आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड, ठीक है। अब देखिए माय डियर, इतना ये सब करने का, ये डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करते तब। मेथड ऑफ सेक्शन, आइए थोड़ा सा यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए माय डियर,
मेथड टू, मेथड ऑफ सेक्शन, तो आइए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा। देखिए इसका कहना है, द लोड एक्टिंग एट एनी आर्बिट्रेरी सेक्शन is equal to algebraic sum of the corresponding loads either on the LHS of the section or RHS of the section. यही है आपका मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि किसी भी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन पर, कोई भी सेक्शन ले रहे हैं, उस सेक्शन पर कितना लोड एक्ट करेगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि उस सेक्शन के या तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए या तो राइट हैंड साइड में देखिए, एक ही तरफ देखना है, दोनों तरफ मत देखिए, दोनों में से किसी की तरफ देखिएगा तो आंसर सेम आएगा, तो एक ही तरफ देखिए। तो सेक्शन के या तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए या तो राइट हैंड साइड में देखिए, और देखने के बाद कोई एक तरफ देखना है। सपोज आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो लेफ्ट हैंड साइड में करस्पॉन्डिंग लोड जितना भी होगा, करस्पॉन्डिंग लोड बोलने का मतलब क्या है, अगर आप सीयर फोर्स निकाल रहे हैं तो आपको सीयर फोर्स देखना होगा, अगर आप बेंडिंग मोमेंट देख निकाल रहे हैं तो आपको बेंडिंग मोमेंट लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा, बेंडिंग मोमेंट भी तो लोड है, फोर्स हो या मोमेंट हो सभी लोड कहलाता है, बताया था मैंने। तो जो लोड आप निकाल रहे हैं तो उस सेक्शन के किसी एक तरफ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, करस्पॉन्डिंग लोड जितना भी मिलेगा उस सभी को आप ऐड कर दीजिए, वही लोड उस सेक्शन पर काम करेगा। बात समझ में आ रहा है, आइए यहाँ फिगर में देखते हैं सबसे पहले। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करें तो मेथड ऑफ सेक्शन से आपको यही चीज मिलेगा, यही चीज फाइंड करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करते हैं। इस मेथड का भी यूज तो हम यही निकालने के लिए किए थे ना जी, चाहे आप फ्री बॉडी डायग्राम मेथड चूज कीजिए, चाहे ALD मेथड यूज कीजिए, चाहे मेथड ऑफ सेक्शन यूज कीजिए, तीनों मेथड का यूज करके हमें अल्टीमेटली यही निकालना है, मतलब जितना भी बार वहाँ पर होगा तो उस सभी बार में कितना कितना लोड काम कर रहा है, तो यही हमें निकालना है। तो आइए हम इस मेथड से देखते हैं। तो सपोज आपको फर्स्ट में लोड निकालना है कि फर्स्ट बार में कितना लोड काम कर रहा है, ओके। तो मेथड ऑफ सेक्शन का जब आप यूज करेंगे तो क्या करेंगे, जिस बार में आपको लोड निकालना है उस बार में एक सेक्शन ले लीजिए, ये आपका सेक्शन है, ये आपका सेक्शन है, इसी सेक्शन पर हमें लोड निकालना है। कौन सा लोड, एक्सियल लोड, तो एक्सियल लोड ही देखेंगे। तो इस सेक्शन पर हमें लोड निकालना है, तो क्या कहता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन हो तो ये आपका आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन है, इसी पर हमें लोड निकालना है। तो आप क्या कीजिए, आप या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ देखेंगे, राइट हैंड साइड में इस तरफ देखेंगे, कोई एक तरफ देखिए। सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लोड होगा सभी को ऐड करना होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग लोड, तो हम एक्सियल लोड निकाल रहे हैं तो एक्सियल लोड ही देखेंगे। तो यहाँ तो सिंगल काम कर रहा है, यहाँ तो सिंगल लोड काम कर रहा है, तो ऐड करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, दो तीन लोड काम करता है इस तरफ तब ऐड करते, बट यहाँ तो सिंगल है तो ऐड तो करना नहीं है। यानी इस सेक्शन पर जो लोड काम करेगा वो किसके बराबर होगा, इस P के बराबर हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखिए,
इस सेक्शन पर हम लोड देख रहे हैं और ये लोड जो है सेक्शन से दूर जा रहा है। इसका देखिए एरो, सेक्शन से दूर जा रहा है। जब लोड सेक्शन से दूर जा रहा हो ना तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जब लोड सेक्शन के तरफ आएगा तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो इस सेक्शन पर लोड क्या हो गया? पी हो गया। जब आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे फ्रॉम मेथड ऑफ सेक्शन, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी पॉजिटिव। अब आइए हमें यहां पर भी निकालना है, तो यहां पर भी मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे, सेक्शन ले लेंगे। अब इस सेक्शन पर हमें लोड निकालना है, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो देखिए यही बेचारा काम कर रहा है, इसके लिए भी यही लोड काम कर रहा है, और ये लोड सेक्शन से इस सेक्शन से दूर जा रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा? P2 इज इक्वल टू P हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी देखेंगे तो देखिए ना, एक ही लोड है और वो भी सेक्शन से दूर जा रहा है, तो उस टाइम भी यही आंसर आएगा। अब हमें P3 निकालना है, थर्ड बार में लोड निकालना है, तो क्या करेंगे? थर्ड बार में सेक्शन लेंगे। अब इस सेक्शन पर हमें लोड चाहिए, तो लेफ्ट में देखिए चाहे राइट में देखिए। राइट में देख रहे हैं तो एक ही लोड काम कर रहा है, वो भी सेक्शन से दूर जा रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा? पी होगा। यही तरीका है माय डियर, यही है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। बात समझ में आ गया? तो कोई भी लोड अगर निकालना हो किसी सेक्शन पर, कोई भी लोड, लोड का मतलब होता है फोर्स और मोमेंट, चाहे सीयर फोर्स हो, चाहे एक्सियल लोड हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे ट्विस्टिंग मोमेंट हो, कोई भी आपका लोड अगर है तो आप मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? सो आई होप कि अब आपको फर्स्ट केस पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, और जब ये निकाल लेंगे उसके बाद तो कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता ही है। सिर्फ ये निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप मेथड है, उसमें यही था आपका मेथड ऑफ सेक्शन। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मेथड सबसे आसान है, मेथड ऑफ सेक्शन। आगे हम और भी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंगल लोड काम कर रहा था तो फटाफट आपने लिख दिया। जहाँ पर तीन चार पाँच लोड काम करेगा, चाहे लेफ्ट हैंड में चाहे राइट हैंड में, तो फिर वहाँ पर कैसे बनाएंगे वो सब हम बताएंगे आपको, ठीक है? चलिए माय डियर, हाँ यहाँ पर लिख भी देना है, यहाँ पर लिख भी देना है, लोड्स अवे फ्रॉम द सेक्शन अगर रहेगा, अवे फ्रॉम सेक्शन, तो उसे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव मेथड ऑफ सेक्शन में। और लोड टुवार्ड्स द सेक्शन, लोड टुवार्ड्स द सेक्शन वो क्या होगा? निगेटिव। लोड टुवार्ड्स द सेक्शन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा माय डियर। ओके चलिए, अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? ये तो बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, फॉर द बार एडी फॉर द बार एडी As shown in the figure, determine the following. First question, maximum stress induced in the member. Second question, deformation at the free end of the bar.
ओके, डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड ऑफ द बार। आइए देखिए फिगर कैसा है माय डियर। ओके ओके, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए क्या कह रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, डिफॉर्मेशन निकालना है एट द फ्री एंड ऑफ द बार। चलिए देखते हैं फिगर कैसा है, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी होना चाहिए। आइए देखिए, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर, और ये थर्ड मेंबर। ओके, तीन मेंबर यहां पर दिया गया है माय डियर, ध्यान देंगे आप। इस डी पॉइंट पर 2P लोड लग रहा है, दिस इज पॉइंट डी, और यहां पर 2P लोड लग रहा है। ओके, सी पॉइंट है और यहां पर पी लोड लग रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ई, और यहां पर 6P लोड लग रहा है, 6P, एंड दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पर एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्स लोड लग रहा है, और यहाँ पर ए पॉइंट पर 2P लोड लग रहा है। यही आपका फिगर है माय डियर, ठीक है। तीनों का लेंथ सेम है, एल एल एल, इसका एरिया ए, यंग्स मॉडुलस ई, इसका भी एरिया और यंग्स मॉडुलस ए ई सेम है, बट इसका एरिया हाफ हो गया है, यंग्स मॉडुलस ई है। यही आपका फिगर है माय डियर। सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए माय डियर, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप नंबर ऑफ लोड्स यहाँ पर काम कर रहा है, बहुत सारा लोड्स यहाँ पर काम कर रहा है, दिस इज योर केस नंबर टू। ये क्या है आपका केस नंबर टू। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, ALD मेथड एंड मेथड ऑफ सेक्शन। देखिए माय डियर, तो सर लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गया, यहाँ पर 2P, यहाँ पर P, 6P, 2P, बट यहाँ पर X काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये X कैलकुलेट करना होगा। तो X कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जानते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया था मैंने, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सा होता है, समेशन ऑफ एच बराबर जीरो, समेशन ऑफ भी बराबर जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट बराबर जीरो। तो यहाँ समेशन ऑफ भी तो होगा नहीं, वर्टिकल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, मोमेंट भी कहीं काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा इक्वेशन यूज होगा, समेशन ऑफ एच शुड बी जीरो, यानी यहाँ पर समेशन ऑफ एच विल बी जीरो। अब ध्यान दीजिए, कुछ फोर्स उस डायरेक्शन में है, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो जब आप समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो लिखने वाले हैं ना, तो उस टाइम आपके इच्छा के इच्छा पर होगा, अगर आप इस डायरेक्शन वाले फोर्स को निगेटिव लेते हैं तो उस डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो उस डायरेक्शन वाला फोर्स निगेटिव हो जाएगा, वो आपकी इच्छा पर है, ठीक है। तो आइए मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ। सपोज हम मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन वाला फोर्स निगेटिव है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 2P,
ये भी उसी डायरेक्शन में है तो माइनस पी, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो प्लस सिक्स पी, ये एक्स उस डायरेक्शन में है जिसे हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस एक्स, बट ये अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस टू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये आपने लिख दिया समेशन ऑफ एच बराबर जीरो। ओके, इस केस में हमने इस डायरेक्शन को निगेटिव लिया है, अब क्या करेंगे, अब हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसको पॉजिटिव अब लेंगे और इस तरफ आने वाले को निगेटिव, तो ये हो गया टू पी, ये भी पॉजिटिव होगा, ये अब निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस टू पी माइनस पी माइनस थ्री पी, माइनस थ्री पी प्लस सिक्स पी थ्री पी, थ्री पी प्लस टू पी फाइव पी, फाइव पी माइनस एक्स बराबर जीरो, एक्स उधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, फाइव पी। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू फाइव पी आया है और पॉजिटिव आप किसको ले रहे थे, नहीं ये ठीक है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 5p मिलेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं, 2p प्लस पी थ्री पी, थ्री पी माइनस थ्री सिक्स पी माइनस थ्री पी, माइनस थ्री पी माइनस टू पी माइनस फाइव पी उधर जाएगा तो 5p, सो x इज इक्वल टू 5p। देख लिया आपने, चाहे दोनों में से कोई भी तरीका यूज कीजिए, 5p ही आने वाला है, तो अब हम यहाँ पर x के जगह पर क्या लिख देंगे, 5p। बात समझ में आ गया, तो चलिए एक x जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं माय डियर, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ALD मेथड से भी बना सकते हैं एंड मेथड ऑफ सेक्शन से भी बना सकते हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि डायरेक्ट मेथड ऑफ सेक्शन से बना लीजिए, ALD मेथड से भी बना सकते हैं आप, ठीक है, बट बेहतर होगा कि आप मेथड ऑफ सेक्शन से बनाइए, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं, सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे होते तो दोनों मेथड सही था, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से डायरेक्ट निकालिए आप, ठीक है, आइए ध्यान देंगे, फ्रॉम मेथड ऑफ सेक्शन, ध्यान देंगे, तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर मेथड ऑफ सेक्शन लगा दें इस पार्ट में लोड निकालने के लिए, तो क्या बोले थे, जिस सेक्शन पर हम आपको लोड चाहिए उसके या तो लेफ्ट में देखिए इसको या राइट में देखिए, और आप क्या देख रहे हैं कि राइट में तो ढेर सारा लोड है, तो क्या ढेर सारा आदमी रहेगा दुश्मन आपका, तो क्या उससे आप पंगा लेंगे, नहीं, आप कोशिश करेंगे जिस तरफ कम आदमी हो उधर से पंगा लिया जाए, तो इस तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारा लोड है तो इधर इग्नोर कर दीजिए, जबकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा रिजल्ट, चाहे लेफ्ट में देखिए चाहे राइट में देखिए रिजल्ट सेम आता है, मैं आपको दोनों तरफ से निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आप बेहतर है कि लेफ्ट में देखिए, तो लेफ्ट में एक ही लोड काम कर रहा है 2p और वो भी सेक्शन के तरफ आ रहा है, तो सेक्शन के तरफ आएगा तो निगेटिव होता है, मैंने लिख दिया था वहाँ पे, सो यहाँ से पी सी डी बार है ना, ये पी सी डी का वैल्यू क्या हो गया माय डियर, माइनस टू पी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा था, अब राइट हैंड साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, ये लोड सेक्शन से दूर जा रहा है तो प्लस पी, ये लोड सेक्शन के तरफ आ रहा है तो माइनस सिक्स पी, ये लोड सेक्शन से दूर जा रहा है तो प्लस फाइव पी, ये सेक्शन के तरफ जा रहा है तो माइनस टू पी, सॉल्व कर लीजिए, पी प्लस फाइव पी सिक्स पी, सिक्स पी माइनस सिक्स पी कट गया, माइनस टू पी। बात समझ में आ गया, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए चाहे राइट हैंड साइड से आपको रिजल्ट सेम आएगा, सो पी सी डी हमारा निकल गया माइनस टू पी। अब मैं दोनों तरफ से निकाल के नहीं दिखाऊंगा, एक मैंने दिखा दिया है, ठीक है, आइए अब हम लोग इस बार में देखेंगे, लेकिन इस बार में प्रॉब्लम क्या है, इस बार में बीच में भी एक लोड काम कर रहा है तो आप यहां बीच में सेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, तो इसको हम दो भाग में बांट के ही चलते हैं,
मतलब पहले हम इस भाग में निकाल लेते हैं फिर इस भाग में निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट पर लोड काम कर रहा है ना जी, तो हम इस भाग में निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी सी ई, क्या लिखेंगे, पी सी ई, पी सी ई। फिर वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में देखिए चाहे राइट हैंड साइड में, तो एक ही तरफ देख लेते हैं, ये 2p और ये p दोनों उसी के तरफ आ रहा है, तो माइनस 2p माइनस p माइनस 3p हो गया, यानी PCE का वैल्यू माइनस 3p निकल गया। ओके, अब निकालेंगे EB के लिए, EB के लिए तो यहां पर भी सेक्शन लेंगे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, किसी एक तरफ देख लीजिए। सो पी बी ई इस तरफ देखेंगे माय डियर, तो दो लोड है, 5p दूर जा रहा है, 2p उसके तरफ जा रहा है, तो 5p माइनस 2p ये हो गया 3p, पी बी ई हमारा कितना हो गया 3p। ओके, अब फिर यहां पर, और हाँ एक चीज और, इस पॉइंट पे जो आप लोड देख रहे हैं 6p लग रहा है, तो क्या ये 6p लोड सिर्फ इस पार्ट में लगेगा? नहीं माय डियर, ये 6p लोड दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या आप यहाँ देख रहे हैं इस पॉइंट पर P लग रहा है, तो ये मत कभी समझिएगा कि ये पॉइंट, ये लोड P जो है इस बार में लग रहा है, इस बार में नहीं होगा। नहीं माय डियर, ये जंक्शन पॉइंट है, तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ होगा, ये दोनों में शेयर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप देख पा रहे हैं ना, सब में शेयर हो रहा है। अब निकालेंगे P इसमें, इस सेक्शन में, पी बी एफ सेक्शन में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हमने सेक्शन ले लिया, सेक्शन लेने के बाद क्या देख रहे हैं माय डियर, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हमने सेक्शन लिया, यहाँ पर भी सेक्शन लिए, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी लोड काम नहीं कर रहा है, तो 3p ही आंसर होगा। फिर भी आप यहाँ पर सेक्शन लेके देख लीजिए, इसके इस तरफ 5p दूर जा रहा है, 2p नज़दीक आ रहा है, सो 5p माइनस 2p 3p। इस सेक्शन में भी B से लेकर F तक इस पार्ट में 3p लोड काम करेगा। अब एक पार्ट और बचा हुआ है F से लेके A तक, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में कितना काम करेगा, सो पी एफ ए। तो यहां पर हम एक सेक्शन लेंगे, तो यहां पर जब हम सेक्शन लेंगे तो लेफ्ट में या राइट में, तो राइट देखेंगे एक ही लोड है, सेक्शन के तरफ आ रहा है माइनस 2p, माइनस 2p। बात समझ में आ गया? तो देखिए मेथड ऑफ सेक्शन लगाकर हमने सभी लोड को निकाल लिया। अब एक एक जगह लिखिए सभी लोड को, पी सी डी, पी सी ई, पी बी ई, पी बी एफ, पी एफ ए। पी सी डी कितना है माइनस 2p, ये कितना है माइनस 3p, बी ई कितना है 3p, बी एफ कितना है 3p, और ये है माइनस 2p। तो देखिए सभी पार्ट में हमने लोड निकाल लिया, तो मेथड ऑफ सेक्शन से हमने लोड फटाफट निकाल लिया, ठीक है। यही चीज़ आप एक्सेल लोडिंग डायग्राम मेथड से भी निकालते, ठीक है, बट इसमें जल्दी हो जाता है, इसमें आप फटाफट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस किस में मैक्सिमम होगा, हमें बस ये देखना है। सेक्शन मेथड लगा दिए, हमें सभी पार्ट्स में लोड निकल गया, अब स्ट्रेस किस में मैक्सिमम होगा, तो स्ट्रेस आप जानते हैं लोड बाय एरिया होता है। अब यहाँ पर लोड सेम नहीं है, ठीक है, तो सोचने की बात है, ये स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब पी मैक्सिमम हो एंड एरिया मिनिमम हो माय डियर, यही बोलेंगे ना। स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, पी मैक्सिमम हो और एरिया मिनिमम हो, ये मिनिमम होगा तो स्ट्रेस मैक्सिमम, लोड भी मैक्सिमम हो जाएगा तो ये और मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज आपको देखना है यहां पर कि किस पार्ट में लोड मैक्सिमम है और एरिया भी मिनिमम हो, क्योंकि लोड मैक्सिमम तो देखिए तीन जगह हो रहा है माय डियर, तो एरिया भी तो देखेंगे, आपको तीन सेक्शन में लोड सेम है तो अब एरिया देखेंगे। देखिए सी ई, सी ई कहाँ गया, सी ई इस पार्ट में लोड मैक्सिमम है और इसका एरिया भी कम है। ओके ठीक है, फिर देखिए बी ई, बी ई, ओके ये बी ई में भी देखिए, बी ई में भी प्लस 3p काम कर रहा है,
प्लस माइनस मत देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए 3p, तो इसे भी 3p काम कर रहा है और इसका भी एरिया मिनिमम है ओके। लेकिन BF वाले में देखिए, BF वाले में लोड तो मैक्सिमम है 3p है, लेकिन एरिया ज़्यादा है, तो इस वाले को तो देखना ही नहीं है, ये वाला तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होगा ही नहीं, इस पार्ट में मैक्सिमम लोड इंड्यूस नहीं होगा। तो मैक्सिमम लोड किस में इंड्यूस होगा माय डियर? मैक्सिमम लोड आपका इस पार्ट में इंड्यूस होगा, क्योंकि CE और BE में देखिए लोड मैक्सिमम है और साथ ही साथ एरिया भी मिनिमम है, तो इसी पार्ट में आपका स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया? आई होप कि अब आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, हम लोग इसके आगे देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सो सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स किस में होगा दी? सिग्मा CE बोलिए या सिग्मा BE बोलिए, होगा ना जी, चाहे CE में चाहे BE में, इस पार्ट में स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। और इसको निकालेंगे कैसे आप? इसको निकालेंगे PCE डिवाइड बाय एरिया ACE, या PBE डिवाइड बाय ABE। तो यहाँ से देखिए आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, इसमें कितना था 3p और एरिया कितना है जी a/2, यानी 6p/a। तो देखिए माय डियर, मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा आ गया 6p/a। और एक चीज़ और ध्यान देना है, ये आपका क्या है, इसमें लोड माइनस लग रहा था, इसमें लोड प्लस में था, तो स्ट्रेस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो स्ट्रेस को आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 6p/a। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा निकल चुका है। अब आपको डिफॉर्मेशन पूछा जा रहा है एट द फ्री एंड, यहां पर डिफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे? डेल्टा ए डी किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, तब आपको टोटल डिफॉर्मेशन मिलेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, डेल्टा ए एफ प्लस डेल्टा बी एफ प्लस डेल्टा BE प्लस डेल्टा EC प्लस डेल्टा CD लिखेंगे ना जी ओके। तो PL/AE सबका होगा, ठीक है। सो PL/AE AF था ना ओके। सो प्लस PL/AE BF प्लस PL/AE BE प्लस PL/AE EC प्लस PL/AE CD होगा ना जी ओके। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या क्या सेम है? हाँ, यंग्स मॉडुलस तीनों का सेम है, ई तीनों का सेम है, और लेंथ भी तीनों का सेम है, मतलब सभी का लेंथ सेम नहीं है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर पार्ट वाइज है ना AF BF BE EC, तो सभी का लेंथ सेम तो नहीं है ना, इसका लेंथ सेम है, बट इसको हम लोगों ने तो पार्ट वाइज कर दिया है ना, तो लेंथ सेम नहीं है, लेकिन यंग्स मॉडुलस सेम है। तो आप क्या करेंगे, 1/E को बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो गया PL/A AF के लिए प्लस PL/A BF प्लस PL/A BE प्लस PL/A EC प्लस PL/A CD। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद आप सभी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट करेंगे। P का वैल्यूज AF के लिए कितना था? AF के लिए कहाँ गया? AF के लिए -2p, तो यहाँ -2p पुट करेंगे। L का वैल्यू क्या होगा इसके लिए? L/2, मिडिल पॉइंट है ना, L/2। एरिया कितना है? A है। उसी तरह PL/A BF के लिए यूज़ करेंगे। BF के लिए P का वैल्यू कितना था BF के लिए जी? 3p था ना,
एल का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, एल बाई टू। तो सभी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये डेल्टा ए डी का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा, डेल्टा ए डी आपको आसानी से मिल जाएगा, यानी डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। तो यही था माय डियर मेथड ऑफ सेक्शन। आप घर पर प्रैक्टिस प्लीज़ कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड से बनाने का, एक्सियल लोडिंग डायग्राम मेथड से बनाने का कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है, बन जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कंप्रेसिव लग रहा है तो निगेटिव जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो वही निगेटिव टू पी काम करेगा, लेकिन जैसे ही सी पॉइंट पर पहुँचेंगे एक निगेटिव और ऐड हो जाएगा तो पी और बढ़ जाएगा इस पॉइंट पर। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा ए एल डी मेथड से भी इसको सॉल्व करने का, बट अदरवाइज मेथड ऑफ सेक्शन बेस्ट मेथड है, आप इसका यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो केस आज हो चुका है माय डियर। अगले सेशन में हम लोग थर्ड केस एंड फोर्थ केस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ओके। अदरवाइज एक ही केस देखेंगे, जो भी होगा हम लोग गिवन टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो सके, ओके। तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई थिंक आज का सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।